मैं हूं अमीर राही, मेरे चैनल ग्लोबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम क्रिएट अकाउंट का एक फॉर्म बना रहे थे, ठीक है, चलिए उसी पे हम डिस्कस करते हैं। ये मेरा एड्रेस तक बन चुका था क्रिएट अकाउंट का फॉर्म। चलिए जो टेबल का जो बॉर्डर है उसे हम हटा के देखते हैं। तो टेबल का जो बॉर्डर है उसे हम जीरो कर देते हैं। सेव करके जब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा फॉर्म आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसे बॉर्डर रहने ही देते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेते हैं नीचे। तो एक रो बनाते हैं, सॉरी इस रो को हम रहने देते हैं, अगले रो में हम बटन को ऐड करेंगे, ठीक है, पहला रो छोड़ के दूसरे रो में। तो हम यहाँ पे टीडी लिखेंगे, फिर यहाँ पे टीडी लिखेंगे और यहाँ पे टीडी को क्लोज करेंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिखते हैं और नेम में जाके अगर हम जैसे रजिस्टर है तो कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ वैल्यू दे देते हैं जो बटन के ऊपर शो होगा रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर करके आ चुका है। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक और टीडी लगा देते हैं। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। देखिए फॉर्म का एक्शन हमने जो डाला था, सॉरी खाली था, तो यहाँ पे वेलकम डॉट एच टी एम एल अगर लगाते हैं, इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए योर फाइल वॉज नॉट फाउंड और यहाँ वेलकम डॉट एच टी एम एल पे खुला है, तो ये पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है जब हम रजिस्टर को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर को मैंने फिर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स सभी में मैं वैलिडेशन लगा दूँ कि जैसे ये फर्स्ट नेम जो है ये अगर खाली छूट जाता है तो जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं तो ये अगला पेज पे नहीं जाए, यहीं पे मुझे बताने लगे कि पहले आप इसे भरिए फिर आपका जो पेज होगा वो आगे जाएगा। तो हम वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है HTML5 का, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम में आपको वैलिडेशन लगाना है तो वैलिडेशन लगाने के लिए जो इनपुट का टैग है यहाँ पे हम केवल REQUI रिक्वायर्ड लिख देंगे, ठीक है, बस इतना लिख के और छोड़ देंगे और सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे लिखने लगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसको जब हम भरेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अगला पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये जो रिक्वायर्ड इसको कॉपी करेंगे और सारे इनपुट टैग में हम पेस्ट कर देंगे। देखिए रिक्वायर्ड हमने सारे टैग्स में इंक्लूड कर लिया और पेज को सेव कर लिया है। फिर हम अपने ब्राउज़र को जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए वैलिडेशन मांग रहा है, इसको हम भर दिए। फिर रजिस्टर पर क्लिक किए तो देखिए अगला लास्ट नेम जो है वे ये मांग रहा है, ठीक है, इस पर भी क्लिक किए। फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो यूज़र नेम है उसमें डिटेल फिल नहीं है इसलिए वैलिडेशन में ऐसा दिख रहा है। देखिए ईमेल को जब हम भरें तो ये जो है ख़त्म हो गया और जो ईमेल है
ईमेल को आप इस तरह से लिख के नहीं कर सकते हैं, इसका ईमेल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जैसे amir@gmail.com मैंने दिया, ठीक है, और रिफ्रेश सॉरी रजिस्टर किया तो ये अगले पे आ गया। अब यहाँ हम पासवर्ड अब डाल दिए, देखिए यहाँ भी वैलिडेशन मांग रहा है, देखिए यहाँ भी वैलिडेशन मांग रहा है, देखिए यहाँ और यहाँ वैलिडेशन मेरा छूटा हुआ है, ठीक है, तो उसे आप इंक्लूड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है, अब करेंगे तो रिडायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, अगले वीडियो में हम इसे CSS से डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।